ये प्रेस कॉन्फ्रेंस रखने का बस एक ही मकसद है मेरा। जितने भी पोर्न साइट के जो भी ओनर हैं और जितनी भी ये सब गंदी चीज़ें चल रही है फिल्म इंडस्ट्री में, वो चीज़ को ख़त्म करना और जो भी चीज़ें हैं उस चीज़ को सामने लाना। बिकॉज अभी 2-3 दिन से जो चल रहा है मीडिया में गहना वशिष्ठ को लेके, या राजकुंद्रा का नाम भी आज आ चुका है सामने, मैं बस ये चाहती हूँ कि उन्हें जल्दी से जल्दी अरेस्ट किया जाए। बिकॉज इस रैकेट में बहुत सारे लोगों की लाइफ खराब हो रही है। और आपको लगता है देयर आर बिग नेम्स आल्सो इन्वॉल्वड इन दिस जिनका अभी सामने नाम आया नहीं है और उन पे भी एक्शन लेना चाहिए? मुझे फिलहाल तो मुझे उमेश कामत जी जो गिरफ्तार हो चुके हैं, जो असिस्टेंट है राजकुंद्रा जी के, राजकुंद्रा जी के बारे में मुझे पता है। जी सो आपको क्या लगता है क्या चीज़ें करी जानी चाहिए फिल्म इंडस्ट्री के साइड से भी एंड फ्रॉम द अथॉरिटीज आल्सो टू प्रिवेंट दिस सॉर्ट ऑफ थिंग? कि जैसे अभी काफ़ी OTT प्लेटफॉर्म आ रहे हैं जिसपे सिर्फ पॉर्नोग्राफी कंटेंट और काफ़ी सॉफ्ट पॉर्न टाइप कंटेंट रहता है, सो कैसे इसको प्रिवेंट किया जाए और लाइक अथॉरिटी टेक्स एक्शन? मैं बस ये चाहती हूँ कि जितने भी ऐसे साइट्स चल रहे हैं वो बंद कराया जाए। बिकॉज हम इंडियंस हैं और हमारी भारतीय संस्कृति भी बहुत ही अलग है, बहुत पूरे वर्ल्ड में फेमस है। तो ये सब जो चीज़ें सामने आ रही है वो बहुत ही गलत चीज़ें हो रही हैं, तो उसके खिलाफ़ कुछ ना कुछ अच्छा सा एक्शन लिया जाए। एंड हाउ यू केम टू नो अबाउट दिस, लाइक कैसे आपको पता चला, देन आपने एक्शन लिया और काफ़ी बड़े नाम भी लिए आपने, रिवील किए, सो हाउ दिस स्टार्टेड? एक्चुअली आई हैव बैड एक्सपीरियंस बिकॉज ये चीज़ मेरे साथ खुद के साथ हो चुकी है। मैं तो इससे बैड एक्सपीरियंस समझ के भूल चुकी थी, बट अभी जो 2-3 दिनों से मीडिया में चल रहा है तो मुझे लगा कि मुझे सामने आना चाहिए। जितनी भी लड़कियां हैं उनके लिए एक अच्छा लेसन होगा, उन्हें बताना चाहिए खुल के कि आप इन चीज़ों में ना पढ़ो, ऐसे रैकेट में ना फंसो जिससे आपकी लाइफ ख़राब हो जाए। तो मैं उन लड़कियों को जो स्ट्रगलिस्ट है, जो थोड़े से पैसों के लिए और नेम फेम के लिए सब चीज़ें कर लेती हैं, उनको मैं गाइड करना चाहती हूँ कि ऐसी चीज़ों से आप बच कर रहो। और आप कोई अपना एक्सपीरियंस शेयर करना चाहेंगे जो आपका वर्स्ट एक्सपीरियंस था एंड यू केम टू नो अबाउट दिस, कि जो आपने सोचा था वो एक्चुअली इंडस्ट्री में नहीं होता है, एंड दैट्स हाउ गर्ल्स एंड दैट्स हाउ टैलेंटेड पीपल आर एक्सप्लॉइटेड इन दिस? सबसे गंदा एक्सपीरियंस तो ये रहा सर कि मुझे वीडियो कॉल पे ऑडिशन के नाम पे मुझे न्यूड ऑडिशन का ऑफ़र मिला जिसे मैंने मना कर दिया। ये उमेश कामत जी थे और काफ़ी सारे लोग थे, 2-3 लोग थे टोटल, एक का फेस रिवील नहीं हो रहा था। तो आई थिंक वो राजकुंद्रा जी थे, बिकॉज बार बार उमेश कामत जी राजकुंद्रा का नाम ले रहे थे कि जितने भी साइट्स चल रहे हैं वो उसके ओनर हैं। तो मैं ये कहना चाहती हूँ कि राजकुंद्रा को क्यों नहीं अरेस्ट किया जा रहा, उन्हें अरेस्ट किया जाए। बिकॉज मीडिया में भी आ चुका है और सारी चीज़ें, उनकी बहुत सारी साइट्स भी चल रहे हैं, तो मुझे कहीं ना कहीं लगता है कि मेन कड़ी वही है। सो लास्टली कोई मैसेज देना चाहेंगे आप ऑडियंस को एंड ऑल द एस्पायरिंग मॉडल्स एक्टर्स जो भी यहाँ बॉम्बे में आते हैं? मैं बस एक ही मैसेज देना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ों में ना फंसे। बिकॉज आप एक बार कुछ गलत कर लेते हो, एक बार आपका अगर गंदा एक्सपीरियंस रहता है, बहुत सारी लड़कियां हैं जिनके साथ गंदा एक्सपीरियंस रहता है, जो अच्छे घर से बिलोंग करती हैं वो वापस लौट जाती हैं, बट जिन्हें काम करना है उन्हें काम ही करना है। तो उन्हें बस एक ही बात बोलना चाहूँगी कि ऐसी चीज़ों में आप ना फंसे। सो हाउ यू आर डीलिंग विद दिस, जैसे आपको पता चला ये सारी चीज़ें हो रही है, सो हाउ, मतलब जैसे आपने रिवील किया सारी चीज़ें हुई, अब कैसे आप अपने करियर में कंटिन्यू कर रहे हैं? मतलब आपको डिफिकल्टी का सामना करना पड़ रहा है या हाउ इज़ योर एक्सपीरियंस फ्रॉम नाउ लाइक आफ्टर रिवीलेशन एंड एवरीथिंग? मैं एक मनोहर परिकर जी की मूवी करने वाली हूँ जिसमें मैं सेकंड लीड कर रही हूँ, और बस फिलहाल यही चल रहा है। ओके, थैंक यू। थैंक यू।